हे हे हे, क्या हाल है मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं ऑगी गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें हम खेलेंगे अपने स्काई ब्लॉक प्लैनेट का अगला पार्ट। पिछले पार्ट में हम गए थे विलेजर्स के पास में और उनसे कुछ ट्रेडिंग की थी और उनके पास से खूब सारे सीड्स भी लिए थे। वैसे तो मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं होती क्योंकि हमारे पास जानवर ही इतने हैं, लेकिन अब मैं वेजिटेरियन बनना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं खुद की खेती स्टार्ट करूँगा। और मुन्ना, ये सब मैं भैया को भूल जाऊँगा। अरे भैया, सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, आपको भी बुलाना था। अरे आगी, ये पहली बार हुआ है, लेकिन अब से स्टार्ट मैं करूँगा, मुझे करने दे। हर बार मैं ही क्यों तेरे बुलाने पे आऊँ, तू मेरे बुलाने पे आना, बड़ा मैं हूँ। अरे भैया, सॉरी 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 बोला ना आपको, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ कीजिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तू वेजिटेरियन बनना चाहता है, हम खेती करेंगे मुन्ना, हम फसल उगाएंगे, हम किसान बन जाएंगे मुन्ना। पर भैया, ये खेती ऐसी वैसी नहीं होगी, बल्कि इस माइनक्राफ्ट स्काई ब्लॉक प्लानेट के सबसे ऊंचे पॉइंट पर होगी। आपको तो मालूम ही है ना भैया कि यहाँ कितने सारे प्लानेट हैं और उनकी छाया नीचे पड़ते रहती है, इसलिए डायरेक्ट सनलाइट कभी नहीं मिलती, इसलिए हमारे पौधे जल्दी बढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं उन्हें हाईएस्ट पॉइंट पे उगाऊंगा ताकि उन्हें पूरी धूप मिलती रहे। अरे मुन्ना, ये तो बहुत मेहनत वाला काम लगता है, कैसे करेगा तू इसको? डोंट वरी भैया, पूरी तैयारी हो चुकी है। पहले हम कॉबलस्टोन से ऊपर जाने का टावर बनाएंगे, फिर उसमें सीढ़ियाँ लगा देंगे ताकि हम आराम से चढ़ उतर सके। सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पे हम कॉबलस्टोन का एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे भैया, बहुत बड़ा, और उस प्लेटफॉर्म के किनारे किनारे हम फेंसिंग लगा देंगे ताकि हम गिरे नहीं। हम डर्ट ले जाएंगे भैया और उनके बीच में पानी भर देंगे। देखिए, मैं हो बना लेता हूँ जिससे कि हम उस पर खेती कर सकें। हम ऊपर जाकर इन्फिनाइट वाटर सोर्स बनाएंगे, वो भी दो बकेट से, जैसा हमने यहाँ अपने घर में बनाया हुआ है, ताकि पानी के लिए हमें बार बार चढ़ना उतरना ना पड़े। और वहाँ मैं एक लार्ज चेस्ट भी बनाऊँगा जिसमें हम सीड्स और जो फसल तोड़ेंगे उसको रखेंगे, और लास्ट में वहाँ टॉर्चेस लगा के फाइनल कर देंगे भैया। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी अपने साथ केवल कॉबलस्टोन ही रखे हैं क्योंकि टावर बनाने के बाद हमें नीचे कूदना होगा ताकि हम बाद में सीढ़ी से वहाँ ऊपर चढ़ सकें। इसमें हमको एक दो बार मरना भी पड़ेगा भैया, क्योंकि हम कॉबलस्टोन लगाना और सीढ़ी लगाना एक साथ नहीं कर सकते, तो हमें भैया वहाँ ऊंचा जाना है। देखिए कितना ऊंचा बनना पड़ेगा। तो मैं इस पॉइंट को चुनता हूँ और यहाँ कॉबलस्टोन लगाना चालू करता हूँ। बस हमें जंप करते हुए कॉबलस्टोन लगाते जाना है, देखिए कुछ इस तरीके से। अब भैया, इस पॉइंट पर आकर मेरे कॉबलस्टोन खत्म हो गए, अब यहाँ से हमको जंप करना पड़ेगा। देखिए अभी भी बहुत ऊंचा है, हमें बहुत ऊंचा जाना है और रात भी हो रही है। हम फिर नीचे आकर सीढ़ियाँ लगाना चालू करेंगे, तो मैं जंप करता हूँ, देखिए। अरे मुन्ना, सो सैड, तू तो गया। कोई बात नहीं भैया, ये तो करना ही था, अब सीढ़ियाँ बनाएंगे। सीढ़ियों के लिए हमारे पास काफ़ी वुड है, उन्हीं से बनाएंगे हम। तो उस पार्ट को स्किप करके डायरेक्ट हम सीढ़ी लगाते हैं। तो भैया सीढ़ियाँ बन गई, चलिए अब चलते हैं। जितना हमने बनाया था अब वहाँ हमको सीढ़ियाँ लगानी होगी, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही हमको ऊपर तक पहुँचना है। अब मैं अपने साथ काफ़ी सारे कॉबलस्टोन लाया हूँ, तो हमें अब कॉबलस्टोन की कोई कमी नहीं होगी भैया, हम जितना चाहें उतना ऊंचा जा सकते हैं। अब
अब यहाँ पर ऊपर गोल्ड का प्लैनेट आ चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा आगे हमें जाना होगा। इसके थोड़ा सा आगे जाकर फिर हम फिर से जंप करके टावर बनाएंगे भैया। आप इसे एक स्टॉपिंग पॉइंट भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर बीच में कोई प्लैनेट आ जाए तो उसे तोड़ने के बजाय उसे बाईपास होके जाना अच्छा रहता है भैया। तो बस हम थोड़ी दूर इसे आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर से हम टावर लगाकर ऊपर चढ़ना चालू करेंगे। बस ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम ऊपर चढ़ते हैं उसी तरीके से। अब बस भैया हम उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, यही हाईएस्ट पॉइंट है, और मेरा हंगर मीटर पूरी तरीके से डाउन हो चुका है और अब मुझे हर्ट होना चालू हो गया है भैया। पर सबसे अच्छी बात यह है कि हाफ हार्ट के बाद मुझे कुछ नहीं होगा। माइनक्राफ्ट आपको हंगर से नहीं मारता भैया, बल्कि हाफ हार्ट के बाद ये रुक जाता है। एटलीस्ट पॉकेट एडिशन में तो ऐसा ही होता है। तो लीजिए भैया, हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। अब हम लगाएंगे इसमें फेंसेस ताकि हम गिर ना जाएं। तो भैया अब फेंसिंग पूरी हो गई है, अब हम डर्ट लगाना चालू करते हैं। डर्ट को इस तरीके से रखना है कि उनके बीच में एक लाइन का स्पेस हो जिसमें पानी भरा जाएगा, और डर्ट में हम फिर खेती करना चालू करेंगे। तो देखिए पहला लाइन कुछ इस तरीके से बनाना है और फिर दूसरा लाइन देखिए इस साइड एक डर्ट का पीस लगाना होगा और उसके बाद ये दूसरा, और दूसरे को फिर वैसे ही खींचना होगा जैसे ये खींच रहे हैं हम। इससे दोनों के बीच में एक लाइन की स्पेस हो जाएगी और बीच के गड्ढे में हम पानी भरेंगे भैया। बस भैया रात हो गई पर हमारा काम पूरा हो गया। अब यहाँ एक लाइन और फेंसिंग लगानी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत नीचे हो चुका है। अब इसको स्किप करके पहले हम इन्फिनाइट वाटर सोर्स बना लेते हैं। तो इसके लिए सीढ़ियों के पास ही पहले हमको एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा जिसमें हमारा 2x2 का जो इन्फिनाइट वाटर सोर्स है वो होगा भैया। सेम जैसे हमने अपने घर के पास बनाया था वैसे ही इसे बनाना है। तो इधर पूरा कर देता हूँ मैं। अब हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर 2x2 का खाली जगह हो जिसमें पानी आएगा भैया। ये देखिए पोजे इस तरीके से प्लेटफॉर्म तो बन गया। अब हमको 2x2 का जो वाटर सोर्स है वो बनाना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से पहले 4 ब्लॉक का एक कोबलस्टोन का जगह बना लेते हैं, उसके बाद इसे और एक्सटेंड करके स्क्वायर शेप का बना लेंगे। देखिए अब इसके अंदर 2x2 की जगह बन गई भैया। देखिए अब बस हमें पानी लाना है और इसे बना लेना है। इसके लिए हमें 2 बकेट काफ़ी होंगे भैया। देखिए वही बकेट जो हम नीचे से लाए थे भर के, एक कोने में इस साइड और दूसरे कोने में। देखिए बन गया हमारा इन्फिनिट वाटर सोर्स। अब बस हमें इन गड्ढों में पानी भरना है।
फाइनली भैया हमारी मेहनत सफल हुई। देखिए हमने इतने सारे फसल उगा लिए हैं और इनफिनाइट वाटर रिसोर्स भी बना लिया है। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे वाटरमेलन और पम्पकिन की खेती करेंगे। साथ ही साथ अगले पार्ट में मैं चेस्ट भी लगा दूंगा। तो भाई ये था वीडियो जिसमें हमने स्काई ब्लॉक प्लैनेट के हाईएस्ट पॉइंट पर खेती की। वो भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।